गुड मॉर्निंग दीपांशु. अनिल जी, मेरा भी स्टॉक लॉन्ग टर्म का जो है वो फार्मा सेक्टर से ही है. इनफैक्ट इसे मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ. स्टॉक का नाम है एल्बर्ट डेविड. ओवरऑल अगर इसका परफॉर्मेंस देखे तो लगभग 2018 के आसपास इसने काफी बड़ा स्विंग हाई बनाया था एंड जिस तरीके से एक करेक्टिव मोड आया था काउंटर में, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन अभी एक अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो रहा है एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर में. जिस तरीके से इसका क्वार्टरली चार्ट है, लगभग 12 क्वार्टर के बाद यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट ओपनिंग लग रही है एंड जिस तरीके से पिछले महीने का क्लोजिंग था वो काफी अच्छी तरह प्लेस था अराउंड 580 लेवल्स के ऊपर. तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस एक पुल बैक मिला है काउंटर में, वीकली स्ट्रक्चर देखे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था पिछले महीने एंड उसके बाद वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी. तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसने एक बेस एस्टेब्लिश कर दिया है. जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वापस इसके जो लाइफ हाइज है लगभग अराउंड 860 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है वो रीएस्टेब्लिश होने चाहिए या रिविजिट होने चाहिए. तो इसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए काउंटर. स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 530 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है 50% तक का होगा अराउंड 860.